नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो गया है कुछ बड़ी खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर स्थित माती मुख्यालय जाएंगे। माती मुख्यालय में सुबह 11 बजे संविधान बचाओ भागीदारी रैली आयोजन होगा, जिसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय हो चुके हैं। अब आज वो माती जा रहे हैं, जहां पर 11 बजे संविधान बचाओ में वो रैली को संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है कानपुर के माती मुख्यालय में। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। लगातार समाजवादी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है। वहीं कहा जा रहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज माती मुख्यालय जाएंगे, जहां पर आज वो 11 बजे एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे और संविधान बचाओ का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अखिलेश यादव आज शामिल हो रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। बता दें कि आज अखिलेश यादव माती मुख्यालय जा रहे हैं। कानपुर के माती मुख्यालय में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां पर अखिलेश यादव आज जाएंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले ही संविधान बचाओ यात्रा को अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई थी, यात्रा रवाना किया गया था। और आज कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर हैं, जहां पर वो माती मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, बड़ी रैली रखी गई है, जिसमें वो जनता को संबोधित भी करेंगे। 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इसमें भी वो कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं आज कानपुर में, जहां पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, आज अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर हैं, बताया जा रहा है माती मुख्यालय में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, कैसे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है आज? करीब आ रहा हो, ऐसे देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। अगर बात करें भाजपा की, तो अभी कल ही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम यानी जिन्हें शर्मा, राज्यसभा सांसद कानपुर की सनातन यात्रा में शामिल हुए थे। और आज देखा गया जा रहा है कि कानपुर देहात राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो कानपुर देहात पहुंचेंगे, जहाँ माती वो पहुंचेंगे। माती में उनका कार्यक्रम है संविधान बचाओ को लेकर, तो वहां पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद वो है जो जनता को संबोधित करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो वहां पूर्व सांसद राजाराम पाल भी रहेंगे और क्षेत्र के जितने भी विधायक और नेता हैं वो भी वहां बैठक में पहुंचेंगे और संविधान बचाओ को लेकर एक बड़ा संबोधन किया जाएगा, किस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ा जाए और समाजवादी पार्टी की लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल की जाए। जी, कानपुर में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? दीपक, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, जैसा कि आपने भी बताया सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। अखिलेश यादव के साथ और कौन कौन से बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आज उस रैली में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, हमने आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके साथ साथ क्षेत्र के कई दिग्गज नेता रहेंगे, विधायक रहेंगे, राजा राम पाल, पूर्व पार्षद कई हैं, कानपुर देहात, कानपुर नगर के सहित इटावा और रैया के बीच जो है सांसद विधायक जो पूर्व हैं या वर्तमान में हैं, वो सभी नेता जो हैं वहाँ माती मुख्यालय पहुँचेंगे, जहाँ उनका कार्यक्रम रखा गया है। भारी संख्या में भीड़ भी देखी जा रही है कि किस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं और संविधान बचाओ को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले हरी झंडी दिखाई थी, इसके बाद उनका कार्यक्रम कानपुर देहात में लगा हुआ है और माती पहुंचने के बाद वो जो है जनता को संबोधित भी करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए हुए हैं। अगर वही बात करें भाजपा की, तो भाजपा वोटर चेतना महाअभियान जो है घर घर चला रही है, तो वही समाजवादी पार्टी जो है संविधान बचाओ को लेकर रैली चलाने में जुटी हुई है। तो ये देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना दमखम दिखाने में लगी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 80 होती है वो सबसे ज्यादा कौन जीतता है, ये चुनाव के बाद ही कहा जा सकता है। कुछ जी नंदनी जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है कानपुर में आज?
देखिए अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। कानपुर देहात की पुलिस जो है 4-54 व्यवस्था की गई है। अगर कानपुर देहात के कप्तान की बात की जाए और जिला अधिकारी की बात की जाए तो कोई कोर कसर छोड़ने तैयार नहीं, सारी व्यवस्थाएं की गई है। भारी संख्या में पुलिस लगाई गई है, ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जाएगी ताकि किसी तरीके से कोई उपद्रव ना हो सके, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब भी कोई रैली होती है तो उपद्रव देखने को सामने आता है, लेकिन इस बार कानपुर देहात का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो है संविधान बचाओ की हरी झंडी अखिलेश यादव ने दिखाई थी और इसके बाद आज उनका कार्यक्रम कानपुर देहात लगा हुआ है, तो कई मायने राजनीति में माने जाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई कसर कोई भी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। नंदिनी, क्या लगता है दीपक की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर में आज क्या कुछ और रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि एक बड़ी रैली को तो अखिलेश यादव आज संबोधित करेंगे ही, इसके अलावा क्या कुछ और रणनीति बनाई जा सकती है? तो देखिए अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं यूपी के, तो देखा जा रहा है कि कई पिछले दिनों से जो है पिछले कई दो पंचवर्षीयों से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि उन्होंने लाख प्रयास किया लेकिन जनता जनाधार है उसने इनको जो है वोट नहीं दिया और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी देखा गया था कि विपक्ष जो है विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव की घोषणा भी की थी कि प्रधानमंत्री के रूप में ये देखे जाएंगे। लगातार जो है भाजपा सरकार विपक्ष पर निशाना साधती है कि ये सनातन विरोधी हैं, पनौती हैं इस तरीके से। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उनके कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनके भी बयान जो है उल्टा सीधा आते हैं, जिससे लेकर राजनीति में कई मायने निकलते हैं। लोगों तक बात पहुंचाने का एक जरिया है। जिस तरीके से संविधान बचाओ की रैली आज की जा रही है तो देखना ये होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आती हैं कानपुर देहात से और कानपुर देहात से कितना इनको फायदा मिलता है इस रैली से। जी बिल्कुल दीपक, देखिए देखना होगा कि पीडीएफ फॉर्मूले पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी काम कर रही है और आज संविधान बचाओ इसके पहले लोक जागरण यात्रा निकाली गई, तो क्या लगता है कानपुर में क्या कुछ आज का माहौल देखने को मिल सकता है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए वो फायदे की राजनीति हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज भारी संख्या में वहाँ कानपुर देहात में जो है भीड़ उपस्थित होगी और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहुंचेंगे वहाँ संबोधित करेंगे, संबोधन के बाद ही कहा जा सकता है कि कानपुर देहात की जनता जो है वो कितना समाजवादी पार्टी को जो है सपोर्ट करती है। लेकिन लगातार अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने ये भी कहा कि जो है जनसंख्या की मांग की थी वो भी किया जाए, लेकिन वो लगातार जो है भाजपा पर सवाल उठाते रहते हैं और जो है करते रहते हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि रैली से कितना फायदा पड़ता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ की रैली लगातार चल रही है। जो है कोई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कसर छोड़ने को तैयार नहीं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको कितना सीटें उनके खाते में आती है ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी में उदयपुर चिंतन शिविर की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। पार्टी की सोची गई रणनीति के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी में युवा चेहरे को शामिल कर दूसरी पंक्ति के नेताओं की लीडरशिप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल 28 पदाधिकारी 40 से कम उम्र के हैं। कार्यकारिणी में 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों सहित सिर्फ 14 नेता हैं। इनमें हर प्रकाश अग्निहोत्री, कौशलेंद्र यादव आदि लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी तरह कार्यकारिणी में उन युवा चेहरे को भी शामिल किया जाएगा जो विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और भीड़ को जोड़ने में माहिर है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव बनाए गए हैं। इसमें युवा चेहरों को तवज्जो भी दी गई है। पिछड़े, दलित और मुसलमानों को 68% से ज्यादा भागीदारी है।
तो कांग्रेस का मिशन 2024 की अगर बात कर रही है तो इस बार नए चेहरों पर कांग्रेस जो है अपना दाव लगाने जा रही है। कहा जा रहा है कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दिया गया और उसमें ज्यादातर युवाओं को शामिल करने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि उन युवाओं को शामिल किया जाएगा जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं और जनता को जोड़ने में माहिर है। तो तमाम तरह की रणनीति है जो कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और नए चेहरे पर इस बार कांग्रेस पार्टी जो है दाव लगाएगी। युवा चेहरे को शामिल किया जाएगा जिसमें वो दम है, जो अपनी बात को बेपाकी से रखते हैं, जनता को जोड़ने में माहिर है। तो तमाम तरह की रणनीतियां हैं जो कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है मिशन 2024 को लेकर। तो वही देखिए, बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी अपना घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। पार्टी की सोची गई रणनीति के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी में युवा चेहरे को शामिल कर दूसरी पंक्ति के नेताओं की लीडरशिप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल 28 पदाधिकारी 40 से कम उम्र के हैं। कार्यकारिणी में 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों सहित सिर्फ 14 नेता है। इनमें हर प्रकाश अग्निहोत्री, कौशलेंद्र यादव आदि लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी तरह कार्यकारिणी में उन युवा चेहरे को भी शामिल किया गया है जो विभिन्न मुद्दों पर बेपाकी से अपनी राय रखते हैं और भीड़ को जोड़ने में माहिर हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव बनाए गए हैं। इसमें युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है। पिछड़े दलित और मुसलमानों को 68% से ज्यादा भागीदारी है। वहीं कांग्रेस भी देखिए 2024 मिशन को लेकर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो प्रदेश कार्यकारिणी जब घोषित किया गया तो उसमें कहा जा रहा है कि युवाओं को तवज्जो ज्यादा दिया गया है, जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, जनता को जोड़ने में माहिर है और 68% से ज्यादा मुसलमानों को, दलितों को इसमें भागीदारी दिया गया है। तो लगातार कांग्रेस भी अब सक्रिय हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, देखा जा रहा है अपने नई नई रणनीति बनाते हुए भी नजर आ रही है। यूपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गया है जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो युवाओं को दिया गया है। कहा जा रहा है कि युवाओं के बाद फिर दलित, पिछड़े, मुसलमान हैं जो इनको हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। तो तमाम तरह के ऐसे रणनीति बनाए गए हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है युवाओं को इस बार ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। देखिए नंदनी, जितनी भी पार्टियां हैं 2024 लोकसभा चुनाव में अपना अपना दम दिखाने में जुटी हुई है। तो कहीं कोई वरिष्ठ नेताओं पर अपना पैतरा आजमा रहा तो कोई युवाओं पर। अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कमेटी, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शनिवार को ही अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम घोषित कर दी है। इसमें लगभग 130 सदस्यों को जगह दी गई है। कार्यकारिणी में अगर बात की जाए तो पिछड़े, दलित और मुसलमानों को भरपूर हिस्सेदारी देने की भी बात कही जा रही है। अगर बात की जाए टीम में तो पिछड़ों को तवज्जो दी गई है, जबकि कई बड़े जो नेता है उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया गया है। अगर बात की जाए तो पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी में पिछड़े वर्ग पर खासा ध्यान दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस की कार्यकारिणी में पिछड़े वर्ग के बाद अब दूसरे नंबर पर सामान्य वर्ग के 41 पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं अगर मुस्लिम वर्ग की बात की जाए तो 22 और दलित वर्ग की बात की जाए तो 23 लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी में युवा चेहरों पर दांव खेला है। तो ऐसे में जो युवा चेहरे हैं वो कार्यकारिणी में करीब 88 ऐसे पदाधिकारियों को शामिल किया है जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम बताई जा रही है। और अगर यही महिलाओं की बात की जाए तो सिर्फ 3 ही महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, जगह दिया गया है। उसमें जो नाम आ रहा है प्रदेश की नई कार्यकारिणी समिति में, तो उसमें सरिता पटेल महासचिव हैं और अर्चना राठौर को पूर्वी और वर्मा को सचिव बनाया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस युवाओं पर अपना आजमा रही है कि किस तरीके से 2024 को चुनाव कराया जाए। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया युवाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, इसी तरीके से मुसलमानों और जो पिछड़े दलित हैं उन पर भी जो जिम्मेदारी दी गई है और तमाम तरह की उनकी भागीदारी भी ली गई है। लेकिन क्या लगता है किस तरीके से कांग्रेस में ये उलट फेर कितना देखने को मिल सकता है 2024 में? देखिए, लगातार उलट फेर चल रहा है कांग्रेस की। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले दावा कर रही है 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की,
और अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में एक पार्टी में शामिल होने वाले सीतापुर से भाजपा के पूर्व विधायक रहे थे राकेश राठौर, उनको महासचिव बनाया गया है। लखीमपुर खीरी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद जो रवि वर्मा की बेटी है पूर्वी वर्मा को प्रदेश सचिव पद की कमान सौंपी गई है, और ऐसे में प्रदेश संगठन का काम देख रहे अनिल यादव को भी महासचिव बनाया गया। तो अगर बात की जाए तो कांग्रेस कमेटी युवाओं पर अपना पूरा जोर आजमा रही है। ऐसे में कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल की ओर से जो जारी की गई सूची, उसके अनुसार कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिव बनाए हैं। तो ऐसे में अब 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लड़ेगी वो युवाओं पर भरोसा जता रही है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी, जनता तय करेगी कौन से नेता को कब चुनना है और कैसे चुनना। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाइन शिरडी से जुड़े 18 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यूपी में लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद में शाइन सिटी कंपनी से जुड़े एजेंटों के आवासों पर कार्रवाई चल रही है। ईडी ने दिल्ली और मुंबई में स्थित निदेशकों के कंपनियों के निवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की है। मुख्य आरोपी रशीद नसीम ने यह संपत्ति अर्जित की थी। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल संपत्ति अर्जित की गई थी। छापेमारी के दौरान साफ नकदी और 1.60 करोड़ के आभूषण बरामद हुए। बता दें कि जनता से 800 से 1000 करोड़ रुपए की ठगी और धोखाधड़ी की दर्ज लगभग 250 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। इसी फर्जीवाड़ा में मुख्य आरोपी रशीद नसीम की सहायता करने में शशि बाला को 30 नवंबर तक के लिए ईडी ने हिरासत में ले लिया था, जबकि मुख्य आरोपी रशीद नसीम फरार है, उसकी तलाश जारी है। ईडी ने अब तक की जांच में 128 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। तो शाइन सिटी से जुड़े लोगों के 18 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, जिसमें से यूपी की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद में छापे मारी गई है। और वहीं पर बता दें कि शाइन सिटी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है, और इसमें रशीद नसीम नाम का एक शख्स मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी लगातार तलाश भी जारी है। ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें कई बेनामी संपत्तियों को अर्जित किया गया है, और तमाम तरह के 250 एफआईआर भी दर्ज थे। इसी के आधार पर लगातार ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू कर दी। यूपी की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद में ईडी ने छापेमारी की है। तो शाइन सिटी से ये जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर धोखाधड़ी की गई थी, कई करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने कार्यवाही की है, लगातार छापेमारी कर रही है अलग अलग जगहों पर। तो वहीं मुंबई, दिल्ली में भी छापेमारी की गई थी। तो 18 ठिकानों पर शाइन सिटी के 18 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बेनामी संपत्ति को ईडी ने अर्जित किया है, जो बनाए गए थे उसको भी ईडी ने जब्त कर लिया है, और तमाम तरह के आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए लगातार ईडी का अपना शिकंजा कसती जा रही है शाइन सिटी के लोगों पर, अभी तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है? पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए इससे पहले अगर ईडी के द्वारा 125 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन अभी ईडी के हाथ में जो सुराग लगे हैं वो ये बताया जा रहा है दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, प्रयागराज और हरदोई समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर उसकी जो बेनामी संपत्तियां हैं उसको बेचने की फिराक में लोग लगे हुए हैं। जो औने पौने दाम की बात की जाए उसको भी लगातार जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे सहयोग लेकर के उन संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ईडी के द्वारा जो अभी तक 125 करोड़ की जो संपत्ति जब्त की गई है, इसके साथ ही 1 अरब से ज्यादा जो संपत्ति है वो लगातार जो बेनामी संपत्ति है उसको भी बेचने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ईडी के हाथ इनपुट मिले थे तो उसके बाद एक बड़ी छापेमारी भी देखने को मिली थी, और छापेमारी के बाद एक युवक को भी हिरासत में लिया गया, जिसका नाम बाला बताया जा रहा है, जो हरदोई का रहने वाला है। उसको हिरासत में लेने के बाद उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो बेनामी संपत्ति है उसका ब्यौरा कहाँ कहाँ है, आखिर वो संपत्ति कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी कई जगह छापेमारी देखने को मिली थी, फिर चाहे बात की जाए अंचल सिटी की या फिर महानगर की या फिर गोमती नगर की, क्योंकि ऐसे जो इलाके हैं इन जगहों पर भी उसकी काफी बेनामी संपत्ति देखने को मिली थी। लखनऊ पुलिस ने तो काफी संपत्ति जब्त की थी ईडी के साथ मिलकर के, लेकिन जो अब 1 अरब की जो बेनामी संपत्ति और दिख रही, क्योंकि राशिद नसीम जो साइंस सिटी का एमडी है वो फिलहाल दुबई में बैठकर हीरो का कारोबार कर रहा है, और जो यूपी में उसकी संपत्तियां हैं उसको लेकर के लगातार जो बेचने की फिराक की जा रही है, फिराक जो कवायद पूरी चल रही है उसको लेकर के अब ईडी एक बार फिर से
सख्त हो चुकी है और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी एक जो बाला है हरदोई का रहने वाला उसको हिरासत में लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो और लोग हैं वो भी ईडी के रडार पर हैं, वो भी जल्द ही उनको हिरासत में लिए जाएंगे और जो बेनामी संपत्ति है उसका ब्यौरा खंगाल कर उन संपत्तियों को भी कहीं ना कहीं जब्त किया जाएगा। क्योंकि जो लोगों से फ्रॉड करके जो पैसा हड़प करके ये कंपनी पूरी तरीके से फरार हुई थी, इस मामले में कई एफआईआरें भी दर्ज हुई थी और उसके बाद जो गिरफ्तारियां भी हुई थी, गोमती नगर से ज्यादा लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे और गोमती नगर से पुलिस ने ही जो राशिद नसीम का भाई है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिलहाल वो अभी जेल में ही है क्योंकि उसके द्वारा भी लगातार जो बेनामी संपत्ति है उसको बेचने का काम किया जा रहा था। नंदनी जी, करीब कितने की देखिए कलीम, लगातार यही कहा जा रहा है कि ईडी अपना कार्यवाही कर रही है, लेकिन कितने की संख्या बताई जा रही है जो इस धोखाधड़ी में शामिल हुए हैं? किसे बात किया धोखाधड़ी में, जिस तरीके से कितनी धोखाधड़ी की गई है उसको लेकर के अगर बात किया, 100 से अधिक तो एफआईआर है गोमती नगर में दर्ज है और अगर अदर जिलों की बात की जाए तो वहाँ भी कई एफआईआर दर्ज है, चाहे मुंबई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, इन जगहों पर भी कई एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से कंपनी फरार हुई थी तो उसकी तलाश भी तेज हुई थी। लेकिन जो एमडी राशिद नसीम की बात की जाए, फिलहाल वो तो पकड़ में नहीं आया, वो दुबई चला गया, वहां पर उससे हीरो का कारोबार शुरू कर दिया था। लेकिन जो राजधानी लखनऊ की बात की जाए, अभी यूपी के कई और जिले हैं वहां की बात की जाए, तो वहां पर बैठ करके जो इसका नेटवर्क जो लोग संभाल रहे थे, जो इसकी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे थे, वो लोग लगातार इस मामले में सक्रिय दिख रहे थे। और जो अभी कल की छापेमारी की बात की जाए, वो उस छापेमारी में कई जेवरात और जो संपत्ति है उसको भी जब्त करने का मामला सामने आया। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के किसी तरह की का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि आखिर जो छापेमारी है वो कितनी जगह चली है और आखिर उसमें जो जब्तीकरण की कार्रवाई है या फिर प्रॉपर्टी कितनी सीज की गई है, ये आखिर ब्यौरा कितना है। फिलहाल अनुमान ये जरूर लगाया जा रहा है कि 1.28 करोड़ की जो संपत्ति है वो अब तक जब्त की जा चुकी है। जी कलीम, बताया जा रहा है कि 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्या लगता है अभी और कितने जगहों पर और छापेमारी की जा सकती है ईडी की तरफ से? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से जो ब्यौरा पूरा तैयार किया गया, क्योंकि ईडी की टीम तो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही, क्योंकि जो 18 जिले की बात की जाए, 18 जगहों की बात की जाए जो छापेमारी हुई है, उसमें जो जगहें बताई गई हैं उसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी जरूर कहा जा रहा है कि उनकी रडार पर कई और भी जगह है, क्योंकि जिनको जिनको अभी तक हिरासत में लिया जा रहा है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किन संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे थे और आखिर उनके संपर्क में कितने एजेंट ऐसे हैं जो लगातार इस मामले को लेकर के सक्रिय दिख रहे हैं और वो एजेंट कितने तक की वो संपत्ति बेच रहे हैं, क्योंकि आखिर जो उनको कमीशन की बात की जाए वो कमीशन भी औने पौने दाम पर जमीन बेच करके उनको एक अच्छा कमीशन देने की जो बात की जा रही थी उसको लेकर के किस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों को लेकर के साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूछताछ में जो और खुलासे होंगे, जो ब्यौरा तैयार होगा, तो अभी 18 है, कल हो सकता हो 20 हो, फिर 22 हो, इस तरीके से आंकड़े बढ़ भी सकते हो, गिरफ्तारियां भी बढ़ सकती हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। अभी के लिए उन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।